चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो साइबर हंटर हो गया है रिलीज इंडिया में और गूगल प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और क्या आप इसको इंस्टॉल करके ही खेल सकते हो? क्या है इसका करंट स्टेटस, जान लेते हैं हम इस वीडियो में। तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हे गाइस, दिस इज उमा भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं गैजेटपीडिया। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं प्ले स्टोर में और यहाँ पे जाके टाइप करते हैं साइबर हंटर और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड कर देते हैं और जैसा कि आप देख सकते हो 1.3 GB इसका साइज है। साइज थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका ग्राफिक्स जो है ये कमाल का है। अगर आप पबजी खेलते हुए थक गए हो और कोई नया गेम का सर्च कर रहे हो तो ये गेम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो ग्राफिक्स है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और गेम प्ले भी इसका सेम ही है, पबजी जैसा ही है। ये भी थर्ड पर्सन बैटल रॉयल गेम है तो आप इसे भी खेलते हुए मज़े उठा सकते हो। ये एक्चुअली में पहले चाइना में लॉन्च हुआ था, अब ये फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है और इसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और आप देख सकते हो, तो अब ये फाइनली इंस्टॉल हो चुका है और इसे हम जैसा कि आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है और इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसे हम अलाउ कर देते हैं। तो अब ये फाइनली ये गेम लोडिंग हो रहा है और जैसा कि आप देख सकते हो ये गेम लोडिंग ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और अगर आप मतलब इस गेम के बारे में मैं कुछ बताऊं तो ये गेम जो है ये कमाल का गेम है और इसका जो मतलब जो कैरेक्टर्स हैं ये कमाल के बनाए हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कमाल का एनिमेशन आपको दिखता है। तो अब एक मेल आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस मेल आईडी से मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मेरा प्रोफाइल। और जैसा कि आप देख सकते हो और यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं अलाउ। और अलाउ होने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो और ये आ गया और यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी दिया गया है इसे आप पढ़ सकते हो और इसे हम कर देते हैं एक्सेप्ट। और यहाँ पे नीचे जाके आप देख सकते हो ये टोटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे नोटिस पूरा दिया हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हो। और इसे हम फिलहाल के लिए कर देते हैं बंद। तो अब अगर आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये HD में चल रहा है और ये आप देख सकते हो ये गेम बेसिकली अब अभी आप चलाने की कोशिश करोगे तो ये लोडिंग लेगा लेकिन ये गेम चलेगा नहीं। तो पहले ये जो कैरेक्टर्स हैं एक कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके फेस को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लेते हैं और फिलहाल हम इसी फेस को चूज़ करते हैं और इस फेस को हम रखते हैं और कंफर्म कर देते हैं। और एक नेम देना पड़ेगा, उससे पहले एक नेम डाल देते हैं, फिलहाल के लिए हम AB रखते हैं और इसको कंफर्म कर देते हैं। और ये आपका हो गया कैरेक्टर। और अब अगर हम बैक में जाके गेम खेलने की कोशिश करें तो अगर आप देख सकते हो ये गेम चल नहीं रहा है क्योंकि इन लोगों का जो सर्वर है ये फिलहाल शट डाउन किया हुआ है, बस कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है तो सर्वर बंद है। वैसे 25 तारीख से ये सर्वर ओपन हो रहा है। आप अगर आपने गेम इंस्टॉल कर लिया है तो उसे तो बस थोड़ा सा दिन और वेट कर लीजिए क्योंकि जैसे ही ये सर्वर ऑन होगा आप इस गेम के मज़े उठा पाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हे गाइस, दिस इज उमा भट्टाचार्य साइनिंग आउट और आप देख रहे थे गैजेटपीडिया।